ये जो लाइनें हैं कि कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? पार्टी कोई भी हो, क्या इस तरह की राजनीति का शिकार बॉलीवुड इजी टारगेट हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ये एक प्रकार का नैरेटिव है, एक अंग्रेजी में ये सेइंग है, डू इट डैम इट, डोंट डू इट डैम इट, पता हर तरीके से आपको डैम करना है इनको। मुझे बताइए, हमारे संविधान है, हमारे एक सशक्त जुडिशरी है, दिशा के बारे में देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने दिशा को रिलीज किया। तो ये कहकर के पूरी देश की छवि को धूमिल करना एक साजिश की तरह से मुझे कहीं से नजर आती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये चलिए इनकम टैक्स का जो इवेशन है या नहीं है, अगर ओवर एक्टिविज्म आप कर रहे हैं और उसके पीछे कोई ताकतें काम कर रही हैं, आपको यूज कर रही हैं, या आप अपने एक आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से देश की नीतियों को कमजोर करने की अगर आपके अंदर मंशा है, अगर आप इंडिपेंडेंट कोई कमेंट देते हैं करते हैं तो ठीक है, लेकिन एक लगातार एंटी मोदी नैरेटिव देते आना, हर बात पर जेएनयू में दीपिका पादुकोण का चुप रहना और इस प्रकार के बहुत से ऐसे जेस्चर्स हैं ट्विटर, ये तो उनकी नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो आप उसी बात पर आ गए कि उन्होंने विरोध में बोला, अब उनकी बात किसी को अच्छी नहीं लगी तो उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं, क्या सीधा सीधा बात यहीं पे आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं उसको बिल्कुल मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओवर एक्टिविज्म की आर्टिकल 19(1) में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आजादी अभिव्यक्ति की दी गई है और 92 में आपको रिस्ट्रिक्शन भी लगाए हैं, यानी कि आपके पास अनलिमिटेड राइट्स है। मुकेश त्यागी जी, कौन तय करेगा कि ये ओवर एक्टिविज्म हो गया? जो जुडिशरी करेंगी, अभी आपने दिशा के केस में देख लिया, अभी फारूक अब्दुल्ला के केस में भी उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है उनको बोलने का अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है, फारूक अब्दुल्ला को देना चाहिए। ये मुकेश जी बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि दिशा रवि को छोड़ दिया ना कोर्ट ने, बड़ी आसानी से पब्लिक ओपिनियन बनती है भाई, डेमोक्रेसी ठीक है। तरुण सिंह जो उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड में जो लोग